जय हिंद, मैं संदीप सिंह राजपूत चार्ली एकेडमी फिजिकल डिपार्टमेंट से। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी मेडिकल टेस्ट में आंख यानी आई टेस्ट के बारे में। जय हिंद, मैं संदीप सिंह राजपूत चार्ली एकेडमी फिजिकल डिपार्टमेंट से। यह आर्मी मेडिकल टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी मेडिकल टेस्ट में आंख यानी आई टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिकल में जाने से पहले आप अपने पूरे बॉडी को मेंटेन कर लें, बॉडी को ग्रूम कर लें, जैसे हेयर कट ले लें, शेविंग करवा लें, अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर लें। आप मेडिकल में जाने से पहली वाली नाइट को अच्छी तरीके से सो के जाएं, यानी नींद को प्रॉपर पूरा करें, जिससे आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे। मेडिकल वाले दिन साफ सुथरी बनियान और साफ सुथरा अंडरवियर पहन के जाएं। हो सके तो हल्का बॉडी स्प्रे यूज कर ले। माउथ फ्रेशनर के तौर पे इलायची के दाना मुंह में रख ले, जिससे मुंह से किसी भी टाइप का दुर्गंध ना आए। और ये सब तो एक अच्छी आदत होती है, इसे डेली लाइफ में सबको फॉलो करना चाहिए। तो चलो आते हैं आज के टॉपिक आई टेस्ट पे। आर्मी सिपाही भर्ती में आई टेस्ट चार प्रकार के होते हैं। पहला, आपकी आंखों में टॉर्च जलाकर वो चेक करेंगे कि पलक के नीचे रेडनेस या दानेदार तो नहीं है, आपका कॉर्निया बराबर पोजीशन में है या नहीं है, आपके आंखों में दाग धब्बे या किसी भी तरीके से ज़्यादा पानी आना या अजीब टाइप पीलापन दिखाई देना, इनमें से अगर कोई सा भी पॉइंट उनको नजर आता है तो आपको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा और आपको री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाएंगे। दूसरा है आंखों का भेंगापन, जिसे स्क्विंट आई टेस्ट भी कहते हैं। इसमें यह चेक किया जाता है कि आपकी आंखें सभी डायरेक्शन में मूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, घूम रही है या नहीं घूम रही है, और आपकी आंखें छोटी बड़ी तो नहीं है। इसमें से अगर कोई दिक्कत परेशानी नजर आता है उन्हें तो आपको आंखों में पॉइंट मिलेगा, इसमें एक माइनस पॉइंट मिलेगा। इस चीज को चेक करने के लिए आपके आंखों के सामने वो पेन रखेंगे, उस पेन को सभी दिशाओं में घुमाएंगे, जैसे अगर ऊपर करते हैं तो आपको ऊपर देखना है, नीचे करते तो नीचे देखना है, लेफ्ट साइड घुमाते तो लेफ्ट जाना है, राइट तो राइट। इसमें एक बात का और खास ध्यान रखें कि ये सिर्फ आंखों का इसमें हरकत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आंखों के साथ साथ गर्दन भी घुमा रहे हो। अगर गर्दन घुमाते हो तो भी आपको पॉइंट मिलेगा, सिर्फ इसमें आंखों का हरकत होना चाहिए, आंख आपका मूवमेंट होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, उनके पेन के अकॉर्डिंग। और तीसरा है विजन टेस्ट। इसमें आपकी दूर का नजर और पास की नजर को चेक किया जाएगा कि आपका विजन 6x6 है या नहीं है। पास की नजर चेक करने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बुक रखा जाएगा, उसे आपको पढ़ना होगा, एक बारी लेफ्ट आई से तो एक बारी राइट आई से। जब आप लेफ्ट आई से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंख को ढक दिया जाएगा, जब आप राइट आंख से पढ़ेंगे तो लेफ्ट आई को ढक दिया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान दें, जो आंख आपका ढका होगा वो प्रॉपर अंदर से खोले रखें, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी प्रकार दूर की नजर टेस्ट करने के लिए आपको 20 फुट की दूरी से एक चार्ट को पढ़ना होगा, एक बारी लेफ्ट आंख से तो एक बारी राइट आंख से। और चार्ट हिंदी वर्णमाला के रूप में, अंग्रेजी अल्फाबेट के रूप में और फिगर्स के रूप में हो सकते हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जो चार्ट होते हैं उस पर 7 लाइनें बनी होंगी और सातों लाइन अलग अलग विजन के लिए होगा। जैसे पहला लाइन में 6x60 होगा विजन, दूसरा 6x36, नेक्स्ट 6x24, नेक्स्ट 6x18, नेक्स्ट 6x12, नेक्स्ट 6x9 और आखिरी लाइन होगा जिसमें होगा 6x6। आपको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना होगा, मतलब कि 6x60 से लेके 6x6 तक पढ़ना होगा। इसमें अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नजर आता है तो आपको माइनस पॉइंट मिलेगा, मतलब कि मेडिकल में आपको पॉइंट मिलेगा जो आपको री मेडिकल में फिर वो चेक करेंगे। और चौथा टेस्ट है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर विजन टेस्ट। इसमें आपके सामने अलग अलग कलर के नंबर प्लेट्स को दिखाए जाएंगे, इसे आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं या आपको दिखाई नहीं देता है या आपको धुंधला दिखाई देता है तो आपको इसमें पॉइंट मिलेगा। यदि आपकी आंखें 6x6 नहीं है या आपको चश्मा चढ़ा हुआ है तो आप लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा इसे दूर कर सकते हो। और एक बात और, कलर ब्लाइंडनेस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस में पॉइंट मिलता है तो आप मेडिकल में फेल कर दिए जाओगे, आर्मी में आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है।
तो दोस्तों यह था आर्मी मेडिकल टेस्ट में आई टेस्ट का वीडियो। इसमें अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।